लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद हरियाणा के विपक्षी दलों में भगदड़ मची हुई है। विपक्ष के नेता बीजेपी की ओर भाग रहे हैं। इसी कड़ी में आज फतेहाबाद से इनेलो के विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया और इनेलो के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मोलू रामरुलनिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इनेलो को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में लोगों ने बता दिया कि उनकी आस्था बीजेपी में है, इसलिए जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वह बीजेपी में आए हैं। बलवान सिंह ने फतेहाबाद से टिकट मिलने पर कहा कि अगर पार्टी उन्हें मौका देगी तो वो जरूर लड़ेंगे, लेकिन वह पार्टी में बिना शर्त शामिल हुए हैं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मोलू रामरुलनिया ने कहा कि वह 1998 से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन 5 साल पहले विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया था और इनेलो में चले गए थे। आज भी मानते हैं कि उन्होंने बीजेपी छोड़कर गलती की थी। मोलू राम ने कहा कि वे बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज उनकी घर वापसी हुई है और वे सच्ची निष्ठा से बीजेपी के लिए काम करेंगे। आज हरियाणा प्रदेश की जन भावना भाजपा के साथ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अगर आपको राजनीतिक प्लेटफार्म में जनता की सेवा करनी है तो आपको जन भावनाओं के अनुरूप ही चलना चाहिए। नहीं, जब जन भावनाएं सारी भाजपा के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, अगर सेवा भाव से राजनीति करनी है तो जन भावनाओं के अनुसार ही हमें चलना पड़ेगा, तभी अच्छे तरीके से हो सकती है। नहीं, मैं तो बिना शर्त भाजपा में शामिल हुआ हूँ। नहीं, इनेलो भाव में सेवा भाव थी, लेकिन अब जन भावनाएं ज़्यादा भाजपा की तरफ होगी, जहाँ पे जन भावना वहाँ पे अच्छी तरह सेवा हो सकती है। कोई मुख्य कारण नहीं था, लेकिन जन भावनाओं में आपको कह रहा हूँ, जन भावनाएं भाजपा के साथ थी। अगर पार्टी टिकट देती है बीजेपी से तो आपको फतेहाबाद? अगर पार्टी कोई जिम्मेवारी देगी तो मैं बखूबी ईमानदारी से निभाऊंगा। मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में इनेलो का सूत्रा साफ हो गया, इसके लिए कोई एक व्यक्ति विशेष को जिम्मेवारी नहीं दी जा सकती। ये तो नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों की जन भावनाएं थी, भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली की भावनाएं थी, और लोगों ने उसी के अंदर देखते हुए प्रदेश के हित देश के देखते हुए भाजपा को समर्थन दिया था। वो तो सीएम साहब ने जवाब दे दिया, ये उसके बाद मेरी टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं बनता। नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई किसी और नेता। नहीं, मेरी किसी से नहीं बातचीत हुई। इस्तीफा देंगे या क्या? हाँ, विधायक पद से मैंने कल ही विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेज दिया है। तो आपके साथ साथ कौन और शामिल हुए? अब धीरे धीरे शामिल और होंगे। आज तो मुख्यमंत्री का आदेश था भी आप अकेले शामिल हो जाओ, पन्ना प्रमुख की बैठक है, और उसके बाद में जो जो समय जाएगा तो जो जो साथी भाजपा के अंदर शामिल होना चाहेंगे उनको सभी को शामिल करेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी जो आपके सदस्य मोलूराम गुलामी है वो भी शामिल होंगे? अब वो भी हुए शामिल, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे और भी साथी काफ़ी आएंगे, एक रूटीन प्रक्रिया है। कैसे संपर्क में आए भाजपा? मेरा मुख्यमंत्री जी से पिछले 4.5 साल से अच्छा संबंध था। जब भी चंडीगढ़ आना जाना होता मुख्यमंत्री से दुआ सलाम होती थी, और मुख्यमंत्री भी काफ़ी बार कहते थे मजाक में, लेकिन मुख्यमंत्री जी का ही योगदान मानता हूँ मैं। देखो, पार्टी छोड़ने का पहले भी दिल नहीं था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई जिसके कारण मैं मेरा फैसला लेने में मजबूर हुआ, और उस कारण ये पार्टी छोड़ी। उसके बाद में जैसे जैसे बीजेपी की हरियाणा के अंदर सरकार बनी, माननीय मनोहर लाल जी खट्टर के, वो प्रदेश के अंदर मोदी जी की नेतृत्व में, इन बातों को लेकर के मैं बड़ा 4.5 साल से महसूस कर रहा था कि आपने जो है बड़ा एक अच्छा मौका गवाया पार्टी सेवा करने के लिए, और मैंने दोबारा से ये अब ये फैसला लिया कि दोबारा जैसे सबका विकास सबका साथ, हरियाणा एक हरियाणी एक, और जो सरकार ने नीतियाँ धरातल पर आई, ये नहीं नीतियाँ घोषणा हो, लेकिन वो नीतियाँ धरातल पर लाने से ये सबको पता भी लग गया, और इस लोकसभा चुनाव के अंदर ये जनता ने स्वीकार भी किया, दिल से गले भी लगाया है कि इतने भारी बहुमत से दोबारा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। पहले भी भाषण थे, कितने साल भाषण रहे थे? मेरी शुरुआत सन 1998 से, और इसका श्रेय मैं बराला जी को देता हूँ जिन्होंने मेरे को पार्टी के बारे में
प्रेरित किया और बीजेपी की विचारधारा और इनकी नीतियों के बारे में बताया। उस समय पार्टी की सदस्य जो फीस थी, शुल्क था, वो 2 रुपये था और उस समय मैंने पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद में लगातार मैं पार्टी में जैसे जैसे काम करता रहा, पार्टी ने मेरे को मान सम्मान दिया, लेकिन जैसे सम्मान मिलता रहा, 2009 में पार्टी को मेरे ऊपर विश्वास जताया और मेरे को जिला प्रधान की जिम्मेवारी दी और दोबारा फिर मेरे पर विश्वास पार्टी ने जताया, दोबारा से फिर मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया। लेकिन चुनाव से कुछ चंद दिन पहले ही एक ऐसी परिस्थिति आई जो मैं इस पर सोचने पर मजबूर हुआ, मेरे समझ में नहीं आई क्या कौन सा रास्ता जाए, कौन सा रास्ता छोड़ा जाए। उस टाइम मैंने फैसला जो है गलत चक लिया। 2014 में छोड़ी आपने? हाँ जी, 2000 चुनाव। आपके साथ आज और किसने छोड़ी है जी? आज मेरे साथ तो अकेला ही हूँ, बाकी काफ़ी कार्यकर्ता हैं, आज उनका स्ट्रेस पाने का मौका नहीं मिला। विधायक जो बलवान सिंह गोलपुर थे, उन्होंने भी आज पार्टी छोड़ी? हाँ, उन्हें पार्टी आज छोड़ी। हाँ, मेरे साथ शामिल हुए हैं। फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।